जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की कथा। माँ काली या काली देवी माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में से एक हैं। महाकाली का रूप सभी रूपों में सबसे ज्यादा भय प्रदान करने वाला माना जाता है। शब्द काली एक संस्कृत शब्द काल से आया है। काल से मतलब समय से है। वह अपने गुस्से के आगे किसी को नहीं देखती और अपने पति शिव पर खड़ी भी खड़ी दिखाई देती है। देवी माँ काली वह ऐसी देवी है जो अपने क्रूर रूप के बावजूद अपने भक्तों से प्यार का संबंध बनाए रखती हैं। इस संबंध में भक्त एक बेटे का रूप ले लेता है और माँ काली एक देखभाल करने वाली का रूप ले लेती हैं। कभी कभी माँ काली मौत की देवी भी मानी जाती हैं, पर दूसरे शब्दों में माँ काली बुराइयों और अहंकार की मौत लाती हैं। हिंदू शास्त्रों में वह केवल अभिमानी राक्षसों को मारने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन काली भी माँ का एक रूप मानी जाती हैं, जो अपने बच्चों को सताने वाली बुराइयों का अंत करने वाली हैं। माँ काली कुछ देवी में से एक हैं जो ब्रह्मचारी और त्याग का पाठ कराती हैं। प्राचीन काल की बात है, संपूर्ण सृष्टि के जल मग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटब नाम के दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को खाने के लिए उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगा। उन दोनों असुरों के वध हेतु माँ आदि शक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को माँ महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटब नाम के असुर को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को माँ आदिशक्ति ने इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब देवी माँ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। माँ महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों को
मस्तक सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती हैं। कुछ समय के बाद पाताल से दो असुर भाइयों शुंभ निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी माँ आदि शक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्त बीज को भेजते हैं। असुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी जितनी भी गिरेगी वहाँ उतनी ही असुर रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। वरदान के फलस्वरूप माँ आदि शक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती थी तब उसी समय रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर माँ आदि शक्ति माँ महाकाली के रूप में वहाँ अवतरित हुई। माँ महाकाली ने वहाँ अपने समान असंख्य योगिनियों को प्रकट किया। तत्पश्चात माँ महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त के एक एक बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना, सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। माँ महाकाली और अन्य देवियाँ असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुभ और निशुम माता से युद्ध करने के लिए आए। माँ ने दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान किया। माँ महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षिणा, कालिका, दक्षिणकाली, गुहाकाली, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशानकली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।